सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, ये बहुत ही अलग गेटअप है, तो कोई खास वजह है क्या इसके पीछे? हाँ, हमारी बाकरवड़ी सीरियल तो आप देखते ही हैं, तो हमारी सीरियल में एक अलग ही किरदार अभी आया है मुन्ना भाऊ के रूप में, जो अण्णा जी का छोटा भाई है, और वो हमारे घर पे आके पूरा उधम मचा रहा है, पूरे वातावरण को उसने बदल डाला है। हम सब आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं ज्योत्सना भाकरवड़ी में ज्योत्सना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक अलग तरीके से। हम सब बच्चों के गेटअप करके नए उत्साह के साथ और नए तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन के बीच में कबड्डी भी खेली गई है। हाँ, मेरी एक जो सून हम लोग बोलते हैं जिसे, तो वो कबड्डी चैंपियन है, मुन्ना काका को वो पता है, तो इसीलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए और घर के सारे लोगों को जोश दिलाने के लिए वो कबड्डी की कंपटीशन भी रख रहे हैं। तो क्या आज इस गेटअप में आपको अपना बचपन याद आया? अरे बहुत याद आया, रादर मेरा पीना फ्रॉक इसी कलर का था स्कूल में, और दो चोटियां भी मैं ऐसे ही डालती थी, तो मैंने इंसिस्ट किया कि मैं ऐसी ही चोटियां डालूंगी तो बचपन की याद आ जाए। कितना टाइम लगा ये तैयार होने में, कितना मुश्किल है ऐसी चोटी में रहना? मुश्किल तो नहीं लगा, उल्टा मज़ा आ गया कि इतने सालों के बाद ऐसी चोटी बनाई। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस गेटअप में, क्योंकि फ्रॉक ही पहनना था और चोटी बनानी थी। तो बचपन की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे स्कूल की? स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत मस्ती कराया करते थे हम लोग स्कूल में, उधम मचाया करते थे, बैक बेंचेस थे तो उधम तो मचाना बनता ही है, तो वो सब यादें ताज़ा हो गई आज। थैंक यू, हैट्स ऑफ कि हमें इतने अलग अलग एक्सपीरियंस आप करवाते हो, पुराने ज़माने में ले जाते हो, वापस मॉडर्न भी बनाते हो, तो बहुत मज़ा करते हैं हम ये सीरियल बाकरवड़ी करते करते, तो आपको भी ये देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से हम हर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सीरियल पे आप इतना प्यार कर रहे हो, तो यही प्यार आप बरकरार रखिए, और हम ऐसे ही आपको अलग अलग सरप्राइजेस देते रहेंगे, तो देखते रहिए भाकरवड़ी 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ सब टीवी पे। थैंक यू। थैंक यू।